नांदेड़ में कांग्रेस के लिए डू और डाई वाला चुनाव है। अशोक चौहान के बीजेपी में जाने से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। उसने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पूरा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर है। शायर और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी नांदेड़ के मुस्लिम बाहुल इलाकों में कैंप कर रहे हैं। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट गया, शेर वापस पलट गया है। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है, हौसला देने का भी नाम है। अब मेरे कैंडिडेट है, इन्हें हौसला दीजिए, इनका समर्थन करिए। एक एक आदमी ऐसे इस इलेक्शन को लड़े जैसे खुद चुनाव में खड़ा हो। इमरान प्रताप गढ़ी शायरी से जोश भर रहे हैं और मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जब जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। नांदेड़ लोकसभा में मुस्लिम मतदाता करीब 3.5 लाख हैं, जबकि दलित 2 लाख हैं। कांग्रेस की टेंशन यही है कि कहीं ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर मिलकर मुस्लिम वोट हड़प न ले जाएं, इसलिए इमरान प्रताप गढ़ी को मोर्चे पर लगाया है। डराने से डर जाएंगे, मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना, डराने से डर जाएंगे। इमरान नांदेड़ के मुस्लिम इलाकों में संविधान बचाने और महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। भाजपा ने महाराष्ट्र में नेताओं को तोड़ने की कोशिश की, लोकतंत्र को लूट के सरकार बनाई। उन्होंने नेताओं को तोड़ लिया लेकिन जनता को नहीं तोड़ पाए। राहुल गांधी इन्हीं रास्तों से चल करके भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे, तो लोगों को उनके कदमों के निशान याद हैं और लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे गृह मंत्री आए, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, नांदेड़ कांग्रेस पार्टी को जिताने जा रहा है। आपके पुराने साथी अशोक चौहान के जाने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, आपको लग रहा है कि कुछ असर नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई असर है। जनता देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो किसी के भी जाने का बहुत सारे लोग गए होंगे। मैं तो इसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ। दरअसल कांग्रेस पार्टी से जो नेता गए या जिनको जबरन लिया गया, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की हार है। उन्होंने अनंत हेगड़े का टिकट काटा, उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा, उन्होंने प्रताप सिम्हा का टिकट काटा, और इधर मिलिंद देवड़ा को, आरपीएन सिंह को, अशोक चौहान को बुला के राज्यसभा दी। ये कितनी जरूरी बात है कि ये नेहरू स्कूल ऑफ थॉट्स की जीत है और बीजेपी की विचारधारा की हार है। नांदेड़ के मुसलमानों को यही समझाया जा रहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान पंजा ही कर सकता है, जो 60 साल तक पहले देश में राज कर चुका है। सर, नांदेड़ का ये है कि पिछली बार यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी का खासदार था, लेकिन उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ विकास नहीं किया, ना जीरो बजट, जैसा कि स्मार्ट सिटी वगैरह है, जो यहाँ पे बीजेपी के जो एमपी वगैरह है वहाँ पे कुछ फंड दिया जा रहा था, लेकिन हमारे जो एमपी है इन्होंने बिल्कुल कोई विकास नहीं किया यहाँ पर।
उसीलिए अभी जनता भी बदलाव चाहती है। आज नांदेड़ के रोड देखिए कि नांदेड़ के रोड ऐसे हैं कि जब भी जाते हैं तो जहां 10 मिनट का टाइम है तो वहां पर जाने के लिए हमको एक घंटा लगता है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहां पर लाइट की सबसे बड़ी लाइट का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास। नौजवान तबका इतना है जिसके पास डिग्रीज है, हर चीज़ की डिग्री है उनके पास, ना उनके लिए कि नहीं कोई आईटी सेल कंपनी, मतलब जैसे कोई बड़े फैक्ट जैसा पुणे मुंबई में जैसे होते हैं, औरंगाबाद में जैसे होते हैं, नांदेड़ में कोई ऐसे कोई कंपनी नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, ऐसे बहुत सारे मसले हैं। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने तकरीबन अभी पीजी कंप्लीट होगा, तो स्टूडेंट के बारे में जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो हमने पहले अटेम्प में सोचा कि इस बार नहीं किए, लेकिन दूसरी बार भी इस बार आकर जो है 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 2 करोड़ रोज़गार अगर मिलेंगे तो हम गरीब इलाके में से जो है घर वालों का भला होगा, लेकिन 2 करोड़ सिर्फ भी ये जुमले रहे इस सरकार के। हमको गैस कम में चाहिए, हमको पेट्रोल कम में चाहिए, हर चीज़ हमको कम में चाहिए, हर चीज़ महंगी हो चुकी है आज। नांदेड़ में टक्कर बीजेपी के प्रताप राव चिखलीकर और कांग्रेस के वसंत राव चौहान के बीच है।